कुर्ला रेलवे स्टेशन की सुरक्षा दीवार गिरी, चार घायल। कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की सुरक्षा दीवार सुबह गिर गई, जिसमें चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। लोगों का कहना है कि यह दीवार काफी पुरानी और जर्जर हो गई थी। इसकी शिकायत लोगों ने रेलवे और मनपा प्रशासन से की थी, इसके बावजूद इसकी मरम्मत नहीं की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची, घायलों को कुर्ला के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायलों का नाम अमीन शेख, सिराज शेख, जावेद शेख तथा एक अन्य है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? 9-10 को हुआ। क्या हुआ था इसके अंदर? ये दीवार है ना, वो तड़क गई थी। तड़कने के बाद में क्या हो गया, हम लोग ने कंप्लेंट भी डाले थे रेलवे में। रेलवे बोलती थी हमारी जगह नहीं है, हम लोग करेंगे नहीं। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं, इसकी भी कॉपी है, हर चीज कंप्लेंट करने के बाद में भी, और कंप्लेंट करने के बाद में भी कोई, सबने लापरवाही जताई। बीएमसी वाले जख्मी हुए, इसमें चार जन जख्मी हुए। बीएमसी बोलती हमारी हद नहीं है, रेलवे बोलती हमारी हद नहीं है। कितने बजे हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ, कितने जन जख्मी? 10 बजे का हुआ है, और इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी दे चुके रेलवे में, दे चुके। तो रेलवे वाले बोलते हमारी हद नहीं है, और बीएमसी वाले बोलते हमारी नहीं है। इसकी कॉपी भी हमारे पास और हमारे दोस्त के पास है, वो अभी आएगा 1-2 घंटे में तो मिलेगी। लापरवाही हो गया, रेलवे इसका बीएमसी, वो उनका लुकआउट है ना, रेलवे का काम। उसमें मार लगा, 2-3 जन को लग गया है, एक सीरियस है उसमें से। बाबा हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल। आपका नाम? आरिफ शेख। एक भिंत ना लाईट जुनी झाली होती, आणि या भिंतीला कंप्लीट केली होती आमदार लोकांना, भी रेल्वेला भी दिली, इथं एलवाडला भी दिली होती, पण अजून काय दुर्लक्ष केलं लोकांनी। घटना घडल्यानंतर सगळे या लागले, घटना घडायचं आपल्या त्यांना सांगितलं होतं की अशाची घटना घडणार, भिंत पडणार, पण कोणी लक्ष दिलं नाही, रेल्वे शासन दिलं ना प्रशासन। किती जण जखमी? 4 जण जखमी, दादा एक सिरियस आहे।